अक्टूबर आने ही वाला है, पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग टर्न अराउंड होने वाले हैं, क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा जन स्वराज का, क्या ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होने वाला है बिहार में, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, रेवोल्यूशन की तो कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि जन स्वराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं, वो मजबूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो, इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। और वो विकल्प जब बने तो वो विकल्प किसी व्यक्ति का ना हो, जाति किसी परिवार का ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। तो 2-2.5 साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है, और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी, दल के नाम की, दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की, और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है, तो और दल का नेता उसको बनाया जाएगा जिसको बिहार की जनता नीचे से, जो 2-2.5 साल हम लोगों ने प्रयास किया है, समाज में बात करी है, तो जिस किसी को भी समाज ने चुना है, जिस किसी को भी लोगों ने बताया, जिस किसी ने भी समाज में वो परिश्रम पराक्रम काम किया है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। 2 तारीख को आपको दिखेगा कौन लोग चुनकर आए। आपकी भूमिका क्या होगी? आप कह रहे हैं कि आप ना अध्यक्ष रहेंगे ना कुछ रहेंगे। हमारी भूमिका देखिए, सबसे बड़ी हमारी भूमिका इससे जुड़ी है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। दल बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, और मेरे नज़रिए से चुनाव जीतना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, जगाना, समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया, आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोज़गार के लिए वोट नहीं दिया। उनको ये बताना, समझाना कि भाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोज़गार के लिए वोट दो, वोट चाहे जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। तो ये जो जिम्मेवारी मैंने ली है, उसके तहत मैं पैदल गांव-गांव जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, और वो यात्रा रुकेगी नहीं। वो यात्रा इलेक्शन से नहीं जुड़ी हुई है, वो बिहार के सुधारने के मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है, और यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग ये समझ न लें, बिहार के लोग इस परिकल्पना से जुड़ ना जाएं और जुड़कर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था न बना लें। दल बन जाएगा, दल की लीडरशिप आ जाएगी, वो लोग दल को चलाएंगे। मैं जो काम पिछले दो साल से कर रहा हूँ, वही काम आगे करूँगा। मैं अभी अररिया सुपौल के इलाके में पैदल चल रहा हूँ, 2-3 दिनों के बाद मैं फिर वापस जाकर वहीं से पैदल चलना शुरू करूँगा, और आने वाले चाहे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जब तक बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना लें, तब तक पदयात्रा जारी रहेगी। 2025 में अगर जन स्वराज को आपके मुताबिक अगर सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या ये यात्रा उसके बाद भी शुरू रहेगी? देखिए, 2 बातें हैं। मेरा जो संकल्प है बिहार को सुधारने का, वो जन स्वराज की चुनावी सफलता और विफलता से नहीं जुड़ा है। अगर मान लीजिए कि जन स्वराज को चुनावी सफलता मिल भी जाए, उससे बिहार सुधर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दल तो हर बार जब चुनाव होता है, कोई ना कोई दल जीतता ही है। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन चुनाव अच्छे लोगों के साथ जीतना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो मेरी भूमिका है कि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था बने जो अच्छे लोगों की, सही लोगों की व्यवस्था हो, जो जब जीत कर आए तो सिर्फ विधायक और सांसद बनाने वाली मशीनरी न बने, बिहार के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था बने। और उस नज़रिए से मेरा प्रयास 2025 से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे अभी दल बन रहा है, फरवरी मार्च के महीने में दल का एजेंडा जारी होगा, जो बिहार के सुधार का ब्लूप्रिंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, वो जारी होगा। 25 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होगा। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, लेकिन ये यहाँ पहुँचना ये सपना नहीं है। दल बनाकर चुनाव जीतना सपना नहीं है। सपना तो ये है कि एक ऐसा बिहार बने
जहाँ हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से अन्य राज्यों से लोग आकर रोजी रोजगार करें, उतना उन्नत, उतना विकास, उतना विकसित बिहार बने, वो सपना है और उसके लिए प्रयास जारी है। नीतीश कुमार से जुड़ा एक सवाल है, आपने कहा कि चार सलाहकार मिलकर उनको गाइड कर रहे हैं, बिहार चला रहे हैं। 2020 में 3 बार उनका कॉल भी आया, रिजल्ट के दिन आपने मना भी किया, फिर भी वो सीएम बने। क्या उनका रेलेवेंस आज के बिहार के पॉलिटिक्स में है, और वो नहीं रहेंगे तो आप किसे सक्सेसर मानते हैं जेडीयू का? नहीं, देखिए, जदयू का, जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा? नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूँ, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने, उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही ख़त्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं, उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं है। जहाँ तक मैंने, आपने जो कहा सलाहकारों की बात, मैंने ये कहा कि आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहेगा अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का जंगल राज है। आखिर लोगों को ये विचार करने की बात है कि अधिकारियों का जंगल राज हुआ कैसे? नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे। हुआ ऐसा है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों से विधायकों के बजाय, मंत्रियों के बजाय, पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के बजाय, अपने कार्यकर्ताओं के बजाय, पूरी व्यवस्था अपने चंद दो चार सलाहकारों के हवाले कर दी है। अब जैसे जैसे नीतीश कुमार की अपनी स्थिति, जो लोग बता रहे हैं, मैं उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन लोग जो बता रहे हैं उनकी जो स्थिति है शारीरिक मानसिक, उसमें वो बहुत सक्रिय हैं नहीं, तो जो उनके इर्द गिर्द के सलाहकार हैं वही लोग चला रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका कोई, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये सरकारी अफसर भी नहीं है, ये सेवानिवृत्त अफसर हैं। तो जब आप सरकारी अफसर होते हैं तो फिर भी आपके, आपकी एक जवाबदेही अपने कुर्सी के प्रति, व्यवस्था के प्रति। जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपकी सिर्फ एक जवाबदेही है, जिसने आपको सलाहकार बनाया है आप उसके प्रति उत्तरदायी है। आपने कोई राजनीतिक पद आपका है नहीं, जनता ने आपको मैंडेट दिया नहीं है, सरकारी नौकरी के वजह से जो आपको पावर मिलता है वो है नहीं, आप सरकारी नौकर थे, नेताजी ने आपको सलाहकार बना दिया, तो आप एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्हीं तीन चार, अब इनका कोई ना जनता से सरोकार है, ना इनको सरकारी व्यवस्था से कोई सरोकार है, ये स्वच्छंद व्यवस्था बना ली इन्होंने, इसीलिए पूरे बिहार में आपको अधिकारियों का बोलबाला दिख रहा है। जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। नीतीश जी के बाद जेडीयू समाप्त? भाई ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, तो आप घर घर कर, अब देखिए, जो तीन चीज़ें अभी बिहार के समाज को आंदोलित किए हुए है, उद्वेलित किए हुए है, एक है शराबबंदी, दूसरा है जमीन का सर्वे, और तीसरा है स्मार्ट मीटर। कोई भी नेता, चुना हुआ नेता, इस बात का संज्ञान लेता, सही या गलत इस पर कुछ टीका टिप्पणी करता। नीतीश जी ने जमीन का सर्वे, इतना बड़ा विषय, कोई पब्लिकली कोई टीका टिप्पणी नहीं की। कौन इसका, इस पर निर्णय ले रहा है? उनके चंद सलाहकार। शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार का, बिहार के हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, शराब और बालू माफिया फल फूल रहे हैं, इस पर निर्णय, कोई चर्चा, कोई वक्तव्य नहीं। कौन चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है? नीतीश के सलाहकार। स्मार्ट मीटर को लेकर समाज इतना उद्वेलित है, जबरदस्ती आप लोगों को दबाकर, डराकर उनको स्मार्ट मीटर स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाना है लगाइए, लेकिन जनता की बात सुन तो लो भाई। स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, आप गाँव में जाकर देखिए, हो ये रहा है कि अगर आपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं किया, आपका बिजली कट गया, 10 दिन के बाद अगर आपने पैसा जुटाकर मीटर को रिचार्ज करा लिया, लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो लगना ही लगना है। तो 10 दिन के बाद जब आपने रिचार्ज कराया 1,000 से, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 400-500 रुपये आपका कट गया, तो एक्चुअल रिचार्ज आपको 400 रुपये ही मिला। लोग नीचे परेशान हैं कि भाई, एक तो पैसा नहीं उसके लिए, स्मार्ट बिजली कट गई, जब उसने पैसा जमा करके उसको रिचार्ज कराया तो आधा या आधा से ज़्यादा पैसा आपके फिक्स्ड कॉस्ट के तरफ, मान लीजिए 15 दिन लग गया, तो आधे महीने का फिक्स्ड कॉस्ट तो उसका ऐसे ही कट गया। तो इस तरह की जो बात है, एक तो निर्णय सही है गलत है एक बात है, दूसरा लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का काम क्या है कि कम से कम जनता की बात आप सुनिए तो सही, और ये कोई सुनने वाला ही नहीं। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार के पिछले 2 महीनों में कोई पब्लिक में कोई उन्होंने बयान दिया हो? चार नेता, चार सलाहकार उनको घेर कर ले जाते हैं, कुछ चंद लोगों से वो बातचीत करते हैं, और फिर वहाँ से कोई पब्लिक में बयान नहीं,
कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, इसीलिए यह दुर्दशा हो रही है। आप आरजेडी लालू यादव और तेजस्वी यादव पर सीधा अटैक करते हैं, तेजस्वी के क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करते हैं, आपको क्या लगता है कहीं ये आप पर नुकसान तो नहीं हो जाएगा जिस तरीके भाई मैं देखिए आप जो कह रहे हैं उनकी किस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है जिसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वो लालू जी के लड़के हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई पहचान नहीं है, तो भाई लालू जी के लड़के हैं, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। मैंने कहा कि वो 9th पास नहीं किए हैं, 9वां फेल है, तो भाई ये तो सत्य बात है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बीए में किया है, पीएचडी किया है और मैं गलत बोल रहा हूँ कि 9th फेल है। अगर वो उन्होंने 10वां पास किया है, बीए में किया है, तो उसका सर्टिफिकेट जारी कर दें, हम लोग देख लेंगे, मान लेंगे, तब मुझे उसको होगा कि भाई प्रशांत किशोर इनके क्रेडिबिलिटी पर का नुकसान करना चाहते थे, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं भाई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी तो बहुत समझदार हो सकता है, समाज में उसका योगदान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे तो समाज में आपका क्या योगदान है वो बता दीजिए। दूसरी बात देखिए, कई लोग ये समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 9th फेल है इसलिए काबिल नहीं, ये बात नहीं है। काबिलियत का पढ़ाई से कोई सीधा सरोकार नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर अपनी बात को रख सकता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी काबिल ही हो, ये बहुत हद तक संभव है बिना पढ़ा लिखा आदमी भी काबिल हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच, क्षमता से ज़्यादा आपकी सोच क्या है। तो जो लोग बिहार को लीड करना चाहते हैं, बिहार की जनता ये तो समझना चाहिए उसको कि जिस व्यक्ति की अपनी सोच ये है कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार के समाज के शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। आप परिस्थितिवश नहीं पढ़ पाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तमिलनाडु में बहुत बड़े लीडर हैं, लीडर थे कामराज, उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन समाज के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी बहुत बड़ी सोच थी। यहाँ पर तो पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है, मैं उस सोच को चुनौती दे रहा हूँ कि भाई आप ना खुद पढ़े ना पढ़ाई की महत्ता को समझ रहे हैं, तो पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बनाने का ही आपके पास तरीका है, और दूसरा आप करना क्या चाहते हो। कुछ सवाल आपसे नेशनल पॉलिटिक्स पर लेना चाहेंगे, आपको क्या लगता है मोदी तीसरे कार्यकाल में अपने कमजोर हुए हैं पहले की अपेक्षा, और उनके जो अलाइज हैं नीतीश और नायडू क्या लास्ट लॉन्ग करेंगे उनके तीसरे टर्म में? देखिए मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन हमने तो इलेक्शन से पहले ये बात कहा कि सीटों का नंबर कुछ भी हो, तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, क्योंकि जमीन पर लोगों ने 10 साल 12 साल मोदी जी का कार्यक्रम देख लिया, उनका प्रयास देख लिया, उसका असर देख लिया। आप बिहार को देख लीजिए, बिहार की जनता ने 2014 में मोदी जी को 30 से ज़्यादा सीट भाजपा को दिया, 2019 में 39 सीट दी, इस बार भी 30 से ज़्यादा सीट ये लोग जीते हैं, लेकिन बिहार के लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? क्या बिहार के बच्चों की स्थिति सुधर गई? क्या बिहार में नए उद्योग लग गए? क्या बिहार के बच्चों का पलायन रुक गया? और अगर ये नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आज जितने लोग मोदी जी के फैन थे, जितने लोग मोदी जी के समर्थक वोटर 2014-19 में थे, वो तो आज कमी होगी होगी। और लोकतंत्र में लीडर की जो ताकत है वो ताकत क्या है? जनता का सपोर्ट। तो अगर जनता का सपोर्ट कम हुआ है तो प्रधानमंत्री रहें या सांसद रहें या विधायक हों या मुखिया हों, उनका ताकत तो कम होगा ही होगा। दोनों अलाइज रहेंगे 5 साल पूरे? देखिए अलाइज रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो अलाइज को पता है, उनको पता है, इतना स्पष्ट है कि मोदी जी और ये जो सरकार है, ये इनकी लोकप्रियता, इनकी ताकत कम हुई है, और आगे की लॉन्जिविटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले 2-2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे। अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी ताकत बनी रहेगी। तो आपको क्या लगता है इन राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा अब कैसा रहेगा? ये तो उन राज्य वो तो उन राज्यों की स्थिति के लोग बता सकते हैं। बिहार में मैं जानता हूँ कि बीजेपी
लैकलस्टर नेतृत्व है, उनका कोई ना चेहरा है, ना उनका कोई प्रयास है, ना उनकी कोई बात कर रहा है। उन लोगों ने अपना नेतृत्व नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया है, जबकि बीजेपी का खुद का बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी नियति भी अपने तरीके से काम करती है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो नीतीश को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में सरकार चलानी है, और उनको ये भी पता है कि नीतीश को मुख्यमंत्री रहते वो बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो भाजपा की हालत तो बिहार में ऐसी है कि ना आप दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं। उनको मालूम है कि सरकार में क्या परेशानी है, उनको मालूम है कि नीतीश के साथ वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए उनको नीतीश की मदद की जरूरत है। मोदी के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का जो काम है उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने जो प्रॉमिस किया था क्या उन्होंने पूरा किया है? भाई, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और उन्होंने क्या किया नहीं किया मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं बिहार में एक तरीके से आई एम बरीड इन द बुशेज ऑफ बिहार, और मुझे दूसरे किसी चीज़ की ना चिंता है ना ज़्यादा खबर है। 100 दिन कब हुआ मुझे ये भी नहीं मालूम है, 100 दिन में उन्होंने क्या किया नहीं किया, कम से कम बिहार में तो कुछ नहीं दिखा। अगर बिहार में कुछ दिखता तो मैं आपको ज़रूर बताता। बिहार में तो यही दिखा कि जो थोड़े बहुत उनके समर्थक हैं वो भी अब उसको छोड़कर हताश होकर धीरे धीरे जन स्वराज की ओर जा रहे हैं। सवाल लेंगे, राहुल गांधी का जो रिबॉर्न हुआ एज एल ओ पी, कैसे देखते हैं आप? नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ इम्पैक्ट उसका? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए, तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको, कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने 2 साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के उनकी जो दादी थी इंदिरा जी की जब जीवन में सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उस समय 154 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था, और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। तो ये फर्क है, ये दिखाता है कि देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय करना है। क्या अपील करेंगे 2 तारीख को? आपका स्थापना है लोगों से, बिहार की जनता से 2 तारीख? नहीं, कोई अपील नहीं करेंगे। जो अपील पिछले 2-2.5 साल से करते रहे हैं कि आप एक बार अपने बच्चों के लिए जगिए, बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्राइंग रूम में बैठकर, दुकान पर, चौक पर बैठकर चर्चा करने से नहीं होगा। अगर आप बिहार में व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, जुड़कर कंधा लगाइए। जब तक बिहार के लोग खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरे लोग, कहीं केरल से, तमिलनाडु से लोग आकर बिहार नहीं सुधार सकते हैं। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना ही अपील करूँगा कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो बिहार में नया विकल्प, जो जनता का विकल्प हो, एक बेहतर भविष्य की गारंटी हो, इस विकल्प को बनाने में अपना कंधा लगाइए, आगे बढ़िए। पैसे की, जाति की, बाहुबल की, इस तरह की चिंता न करें। एक बार आप साथ में आएंगे, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, अगर लोग साथ में आएंगे तो मेरा पूरा यकीन है बिहार में नई व्यवस्था हो बनेगी, बिहार के बच्चों के भी जीवन में खुशहाली आएगी, बिहार में भी एक नया सवेरा होगा।